हे गाइस, गेट अनरेडी विथ मी। पता नहीं क्या सोच रही थी यहाँ पे मैं। अपने इयररिंग को फर्स्ट में यहाँ पे रिमूव करूँगी, उसके बाद में अपने हेयर को अच्छे से बांध दूँगी ताकि मेकअप रिमूव के लिए कोई परेशानी ना हो। उसके बाद में माइसलर वाटर मेकअप पफ के अंदर ही स्प्रेड करके अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहे तो कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो या पानी से भी, डायरेक्ट पॉप से भी मेकअप रिमूव कर सकते हो, बट मैंने माइसलर वाटर यहाँ पे यूज़ किया है क्योंकि मेरे पास अवेलेबल था। नहीं हो तो ऑब्वियसली कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो, इससे क्या होगा अपना मेकअप अच्छे से क्लीन हो जाएगा। उसके बाद मैं अपना फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ ताकि डबल क्लिनजिंग हो मेरे फेस के लिए। तो आप कोई भी फेस वॉश यूज़ कर सकते हो, आप जो भी यूज़ करते हो। उसके बाद अपना फेस मैंने क्लीन कर दिया। मैंने यहाँ पे एवरयूथ का यूज़ किया था, फेस अच्छे से क्लीन कर दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे मॉइस्चराइजिंग यूज़ की है, पॉन्ड्स की मैंने यूज़ की है क्रीम बेस में। एंड पता है कुछ ज़्यादा ही मेरे फेस पे आ गई थी, पता नहीं हाथ में इतनी ज़्यादा आ गई थी, क्योंकि यहाँ पे मैं टोनर यूज़ नहीं करने वाली हूँ, ओनली मॉइस्चराइजिंग ही यूज़ करूँगी। सो आई थिंक ज़्यादा ही मैंने अप्लाई कर दी, पता नहीं क्यों, बट इट्स ओके। मैंने मैनेज कर दिया था उसको, मॉइस्चराइजिंग को। उसके बाद मैंने लिप बाम भी, मेरे पास नहीं था अवेलेबल, तो मैंने ऐसे मॉइस्चराइजिंग को लिप बाम बना दिया। ओके, तो ये था मेरा आज का वीडियो, गेट अनरेडी विथ मी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो क्या करना है, ऑब्वियसली लाइक से ना सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन बाय बाय।